वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गीतिका आर्या। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती हूँ होम डेकोर, फैशन, लाइफस्टाइल और हेल्थ फिटनेस जैसी। तो मैं मेकओवर्स की और लो बजट में आप कैसे अपने घर को सजा सकते हैं वैसी वीडियोस बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको पता चलता रहे। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन डेकोरेट योर मंदिर फॉर दिवाली। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस वीडियो में वो मोस्ट ऑफ सारे बुलबुल से हैं। तो बुलबुल क्या है? सो बुलबुल इंडिया की फर्स्ट लाइव शॉपिंग ऐप है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं आप खुद सामान को देख पाते हैं, ऐसे ही इस ऐप में आपको हर प्रोडक्ट की वीडियोस मिलेंगी या लाइव वीडियोस मिलेंगी। तो उससे क्या है, आप प्रोडक्ट को अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं या कैसे वो डाल के, अगर कोई ड्रेस है तो डाल के कैसे लगती है। तो उससे बहुत ईजी हो जाता है ये जज करना कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ करूँगी उनका मैं लिंक एक नीचे दे दूँगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली मेरे स्टोर पर चले जाएंगे। वहाँ पे मतलब जो जो प्रोडक्ट्स मैंने उनसे खरीदे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे ताकि आप इजीली उनको परचेज कर पाओ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द एरिया वेयर आई एम गोइंग टू सेट माय मंदिर। सो वी हैव दिस कृष्णा की होल्डर हियर एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रंक। So I DIY'd this trunk in a video. I will give the link in description box below. So I'm going to use this canopy to decorate my mandir. So आप इसकी जगह कोई भी mosquito net use कर सकते हैं, इस type का similar ही। इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट इज द DIY कैनोपी, हाउ टू मेक दिस कैनोपी। देन जस्ट जो एंड्स थे कैनोपी के वो मैंने ट्रंक के नीचे कर दिए ताकि एक फिनिश्ड लुक आ जाए यहाँ पे। देन मैंने ये गोल्डन ट्रे है, सर्कुलर गोल्डन ट्रे है वो रख दी। देन उसके ऊपर मैंने ये बीज वाला मैट रख दिया। तो मैं एक स्थान टाइप बनाना चाह रही हूँ गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए। अब एक ये बड़ी प्यारी लाइट्स हैं तो इनको मैं यूज़ करूँगी, जो हमारी कैनोपी है इसके साइड्स में हैंग करूँगी ताकि यहाँ पर थोड़ा ब्राइट लुक आ जाए। So with the help of that key holder, I'm just hanging these lights. Then these are the plastic rangolis. So ये भी कई colors में मैंने order की थी, तो कोई blue है, कोई red है, अलग अलग shapes में है। तो ये बहुत ही इजी वे है किसी भी एरिया को डेकोरेट करने के लिए फेस्टिवल्स के लिए। इनमें बहुत ही प्यारे बीड्स और नग्स लगे होते हैं तो ये बहुत प्रिटी लगते हैं। और डिफरेंट कलर्स के अगर आप लोगे तो कॉन्ट्रास्ट बना बना के आप बहुत प्यारी डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे कि ये दिए की शेप में है। तो बस इस ट्रे के आगे इन्हीं प्लास्टिक की रंगोली के जो डिफरेंट शेप्स हैं मैं उनको ऐसे अरेंज कर रही हूँ ताकि एक सुंदर सा लुक आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर के सिलेक्ट किए हैं बिकॉज हमारा ट्रंक ऑलरेडी रेड कलर का है, तो इस टाइप के कलर्स रेड पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब सिमिलर वे में जो मेरा ट्रंक है उसके सामने भी मैं इन्हीं प्लास्टिक की रंगोली से सुंदर सा एक डिज़ाइन बना दूंगी। तो मैंने ये डिफरेंट कलर्स में ले लिए, जैसे कि पिंक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, इनसे किसी भी टाइप का पैटर्न बना लो और ये बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी इजी भी है।
ये दिए तो बिल्कुल परफेक्ट हैं दिवाली के ओकेजन के लिए, मुझे ये काफी ज्यादा सुंदर लगे। अब मुझे यहाँ पे रंगोली बनानी थी तो मैंने ये स्टेंसिल ले लिए। स्टेंसिल से रंगोली बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यारी रंगोली बन जाती है। तो बस ये बॉटल में कलर्स आए थे इनके साथ, बस इन कलर्स को आपको स्प्रिंकल करना है इन एरियाज में। तो आप इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 3-4 कलर्स यूज़ करूँगी एक रंगोली में, तो उससे बहुत ही प्यारी कलरफुल सी रंगोली बन जाएगी। ये इजी बहुत है, इसमें आपको कोई शेप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही क्विक है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। बिकॉज़ दिवाली के टाइम में ऑलरेडी इतनी तैयारी करनी होती है तो रंगोली बनाना भी एक टास्क हो जाता है। तो उन सभी लोगों के लिए जो रंगोली बनाना भी चाहते हैं बट जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ये स्टेंसिल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस उसके बाद आपको ऐसे स्टेंसिल हटा लेना है और आपकी रंगोली तैयार हो जाएगी। अब इस एरिया में मैंने सबसे पहले ये एक टेबल रख दी और उसके दोनों साइड्स में मुझे रंगोली बनानी है क्योंकि उस टेबल के ऊपर मुझे कुछ कैंडल्स रखनी है। तो वही मैंने स्टेंसिल ले लिया और डिफरेंट कलर्स ले लिए रंगोली के, और मैं दोनों साइड ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रंगोली बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सिमेट्री चाहिए। आप चाहे तो थोड़े डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं या इवन डिफरेंट स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस रंगोली को फिनिशिंग भी दे सकते हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से बाद में, बिकॉज कई बार कलर्स थोड़े साइड में इधर उधर हो जाते हैं, तो बस आप फिनिशिंग भी दे सकते हैं। अब मैंने इस टेबल के ऊपर ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की शेडो वाली जो कैंडल्स हैं वो लगा दी। ये बहुत ही प्रिटी हैं और इनको जब जलाओगे तो पीछे की तरफ शेडो भी आती है, तो बहुत सुंदर लगती हैं ये। देन इन एरियाज में आई एम जस्ट एडिंग दीज कैंडल्स। दिस इज फ्लावर कैंडल, देन देयर आर सम मटकी कैंडल्स। सो I got various kind of candles from Bulbul. I really love the variety of candles there. तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स लगाने से, दियाज लगाने से आपकी जो रंगोली है या कोई भी आपका दिवाली का जो डेकोर है उसकी एक शो बढ़ जाती है, बहुत सुंदर लगता है। इस एरिया में भी मैंने ये प्लास्टिक की रंगोली बना ली, एंड देन अगेन कुछ मैंने कैंडल्स और कुछ मैंने जो प्लास्टिक की ही रंगोली के जो पार्ट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए इस रंगोली के साथ। इस एरिया में मैंने ये उल्ली रख दी, इसके अंदर ऑलरेडी पानी है। उसके बाद मैंने कुछ इसके अंदर रोज की पेटल्स ऐड कर दी। फिर मैंने ये सेल्स वाली फ्लोटिंग कैंडल्स ले ली, ये सेल्स से चलती हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट है, मैंने पहले ऐसे नहीं देखी थी। तो ये आप कई साल तक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये सेल्स से चलती हैं, बस इनको ऑन करके आपको उर्ली के अंदर रख देना है। अब मैंने इस एरिया में ये एक लैम्प रख दिया है, ये भी बहुत ही प्यारा है, ये भी बुलबुल से है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन चाहिएगा जहाँ पे भी आप लगाओ। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला एक जो रंग है ये प्लेस कर दिया है बिकॉज यहाँ पे हम बैठ के पूजा कर लेंगे, तो इसलिए मैंने ये कारपेट यहाँ पे रख दिया है। देन ये गणेश जी की मूर्ति है जो मैं यहाँ पे रखूँगी पूजा वाले एरिया में, और इसके पीछे ये धूप बत्ती वाला है तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी इसको जलाने से। ये भी बुलबुल से ही है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई ये मूर्ति भी।
ये इवन आप गणेश चतुर्थी के टाइम भी यूज कर सकते हैं। देन मैंने एक एलईडी लाइट ली है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, तो इस एरिया में मैं इस लाइट को रख कर और जो प्लेट है हमारी, जो गोल्डन कलर की प्लेट है, उसके अराउंड मैंने इसके सर्कल्स दे दिए तीन, ताकि इस एरिया में भी थोड़ी लाइट हो जाए। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगा दी। अब मैंने ये एक बर्ड नेस्ट टाइप का हैंगिंग लैम्प लिया है, ये भी मुझे काफी पसंद आया। इसके अंदर आप कैंडल भी रख सकते हैं, बट मैंने ये वाली एलईडी कैंडल्स ली हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं, ये भी मुझे काफी पसंद आई, तो ये मैंने इसके अंदर रख दी। एंड देन मैंने लैम्प को यहाँ पे हैंग कर दिया। एट द एंड मैंने सारे जो दिए वगैरह हैं उनको जला दिया।